मेरा नाम बशीर अहमद बातिश है, उर्फ़ आम में मैं उसे बी ए बातिश लिखा करता हूँ। और मेरे ख्याल में 4 साल की उम्र से मैं इस काम में आ गया था। मुजस्मों से मैंने शॉर्ट लिया था, बारिश आती थी, कीचड़ वीचड़ बनते थे, फिर उन्हीं से मट्टी से फिर मैं ये गाय भैंस ये चीज़ें बगले छोटी छोटी चीज़ें घरेलू इस्तेमाल। मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं सारे काम करता हूँ, वाटर कलर करता हूँ, आइल कलर करता हूँ, लैंडस्केप बनाता हूँ, पोर्ट्रेट बनाता हूँ, ओरिगैमी पेपर मैशी, उसकी अभी मेरे पास कोई चीज़ पड़ी नहीं है वरना वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा बर्नट वर्क है, बर्नट वर्क के बाद ये जो है आप देख रहे हैं वुड कार्विंग ये करता हूँ, इसमें कैलीग्राफी भी की है मैंने, ये अलहम शरीफ लिखा हुआ है, ये बाकी ये कलमा शरीफ लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं इधर पड़े हैं तो ये भी करता हूँ। और मुजस्मा साजी है, वो तो मेरा पहला शौक ही यही था। नहीं, डी ए खान ने कोई डिमांड नहीं, बिल्कुल कोई डिमांड नहीं, हमारा मजहबी इलाका है, वो इस चीज़ को पसंद भी नहीं करते। और दूसरा ये है कि जितने भी बनाए हैं कुछ तो मैंने तोड़ दिए थे, जब तालिबानाइजेशन थी तो मुझे धमकियाँ वगैरह मिलती थी कि भाई हम आपको आपकी गैलरी उड़ा देंगे, मैंने काफ़ी मुजस्मे तोड़ दिए थे। यही एक ये बचा हुआ है, और ये जो पीछे बढ़ा हुआ है एक ये है, और ये है ये। मुश्किलात के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि वो जब से ये पैनोफ्लेक्स और डिजिटल इक्विपमेंट आ गए हैं तो हमारा काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, इतना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। जो मुसव्विर एक पेंटिंग एक महीना लगा कर या 15 दिन लगा कर ज़्यादा टाइम लगा कर जो बनाता था, वही अब जो है ना वो कंप्यूटर पर टक 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 होती है और वो आ जाती है और फिर उसका प्रिंट निकल आता है। तो पैनोफ्लेक्स ने बड़े बड़े कारीगरों को घरों पर बिठा दिया है और बड़ी मुश्किलात है। और इसमें जब काम नहीं होता तो मैं आपको ये बताऊं, मैं इसमें आर भी नहीं समझता कि मुझे अगर बिल्डिंग पेंटिंग के लिए भी जाना पड़ जाए तो मैं जाता हूँ। मैंने बच्चे पालने के लिए अपने घर का बच्चों का भी तकलीफ को तकलीफ ना हो, मुझे लेबर में काम करना पड़ा है भी तो भी मैंने किया है, यानी लेबर में इस तरह के फर्शों की टाइलें लगाना, बिल्डिंग पेंटिंग चूना तक किया। और मुझे इस हालत में देखकर बहुत लोग बड़े वो उनके दिल भी खफा हुए कि ये आप क्या कर रहे हैं। मैं यही कहता था कि रिस्क के हलाल है, इसमें कोई ताना तो है नहीं, यही बात है। मुश्किलात तो मैंने बहुत देखी है, गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि वो यहाँ कोई आर्ट एकेडमी का बंदोबस्त कर दे सरकारी तौर पर, उसमें मैं एज ए इंस्ट्रक्टर भी काम कर सकता हूँ और एज ए क्यूरेटर भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलराउंडर हूँ और मैं पूरे दिल से करूँगा, क्योंकि जितनी बच्चियाँ और जितने बच्चे मेरे पास सीखते हैं शायद ही किसी के पास आते हों, और हमें वो हमारी तनख्वाह मुकर्रर कर दें या उन बच्चों के साथ हमारी, क्योंकि गैदरिंग ज़्यादा हो जाएगी तो जो फीस यहाँ पर वो देते हैं हम इससे कम कर देंगे या उतनी ही हो, लेकिन एक माहौल बन जाएगा उसमें, बच्चे एक दूसरे को देखकर फिर जल्दी इम्प्रूवमेंट करते हैं।